हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल। आज मैं आपको एक्सेल की कुछ और शॉर्टकट की सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे F1 से लेकर F12 तक की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सारी कीज़ यहाँ पर टाइप की गई हुई हैं, F1, F2, F3, F4। और ये जो सारी शॉर्टकट की हैं ये किसी भी की के साथ यूज़ नहीं होंगी, ये एलोन यूज़ होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एलोन टाइप किया है, मींस आप कंट्रोल के साथ या ऑल्ट के साथ इसे आप यूज़ नहीं करोगे। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहली है F1। F1 बेसिकली जो होती है फॉर हेल्प। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एक्सेल की तो आप F1 प्रेस कर सकते हैं, आपके सामने हेल्प ओपन हो जाएगी। आपको जो भी हेल्प चाहिए, लाइक मुझे VLOOKUP फंक्शन के बारे में समझना है तो मैं यहाँ पर VLOOKUP टाइप करूँगा, एंटर कर दूँगा, तो ये हमारे को हेल्प प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आती है हमारी F2। F2 फॉर एडिट मोड। अगर आपको किसी भी सेल में एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप प्रेस करोगे F2। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, इससे भी एडिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड के थ्रू करना है तो आप F2 प्रेस करेंगे तो देखिए एडिट मोड में आपकी सेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका F3। F3 बेसिकली होता है पेस्ट नेम फॉर्मूला। पेस्ट नेम फॉर्मूला क्या होता है, मैं आगे आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें नेम रेंजेस का टॉपिक होगा। नेम रेंजेस में क्या होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को नेम प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने इस एरिया को नेम प्रोवाइड कर रखा है वेंडर, तो देखिए यहाँ पर वेंडर लिखा रहा है। जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इतने एरिया को, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेंडर। क्या रहा है यहाँ पर, वेंडर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा F3, तो देखिए नेम रेंज हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हम इसे यहाँ से ओके कर सकते हैं, ऐसे मैं एंटर करूँगा। देखिए इसका यूज़ हम फॉर्मूले में भी करते हैं नेम रेंजेस का, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारी शॉर्टकट की F4। F4 फॉर रिपीट एक्शन। रिपीट एक्शन क्या होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट किया, अब मुझे अगेन एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो मैं F4 प्रेस करूँगा तो रिपीट एक्शन होता रहेगा। देखिए जितनी बार F4 प्रेस करूँगा वही एक्शन रिपीट करता रहेगा। मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। ऐसी अगर मैंने कुछ चीज़ कॉपी करी है या पेस्ट, उसके बाद मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूँगा तो देखिए रिपीट एक्शन कि वही एक्शन तो अगेन रिपीट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा F5 फॉर गो टू कमांड। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल पे जाना है तो आप गो टू कमांड यूज़ कर सकते हो। F4 प्रेस करते ही ये आपकी गो टू कमांड ओपन हो जाएगी। मुझे सपोज जाना है E10 पर, E10 पर जाना है मेरे को। ओके करते ही आपकी जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा, देखिए E10 पे आ गया। यहाँ पर देखिए कर्सर कहाँ पर है, E10 में। उसके बाद आता है हमारा F6 नेक्स्ट पेन। नेक्स्ट पेन मतलब ये जो हमारी एक्सेल का शीट है उसमें पेन होते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। तो जैसे ही मैं F6 प्रेस करूँगा तो आप ध्यान दीजिए F6 हमारा कर्सर यहाँ पर है। अब देखिए F6, अब ये वाला पेन ओपन हो गया, उसके बाद ये पेन है, उसके बाद हमारा कर्सर यहाँ पर है। ये देखिए F6 से हमारे बेसिकली पेन चेंज होती है कि आपका बेसिकली कर्सर किस पर्टिकुलर एरिया पे जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा F7 फॉर स्पेल चेक। स्पेल चेक करने के लिए हम F7 प्रेस करते हैं, तो आपको कोई भी स्पेलिंग चेक करनी है तो आप यहाँ से स्पेल चेक कर सकते हो, ऐड डिक्शनरी, ये बेसिकली हम MS वर्ड में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका F8। F8 फॉर एक्सटेंड सिलेक्शन। अगर मैं कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्शन करना चाहता हूँ एक्सेल में तो उसके लिए मेरे को क्या प्रेस करना पड़ेगा, F8। मैं F8 प्रेस करूँगा, उसके बाद हम डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, जो हमें प्रेस करनी है वो करके हम एरिया को, जो भी अब आपको करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक फॉर्मेटिंग करनी है या आपको कॉपी पेस्ट करना है, वो आप कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम, F8 एंड डाउन एरो, जितना भी आपको एरिया सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका
F9 फॉर कैलकुलेट ऑल। कैलकुलेट ऑल क्या चीज़ होती है, सपोज मैं यहाँ पर इनका सम कर लेता हूँ। देखिए हमने सम कर लिया, सम कितना आया 3135। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ वैल्यू, तो यहाँ इंक्रीज होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दी वैल्यू 450 से 500। देखिए बट इंक्रीज नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फॉर्मूला तो मेरा लगा हुआ है सम का। इसके लिए क्या करना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन बटन पे जाना है, एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पर फॉर्मूला टैब में आएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है मैनुअली, नॉर्मली हमारा यूज़ होता है ऑटोमेटिकली, मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पर अभी मैनुअली यूज़ किया है, तो मैनुअली करके हमने यहाँ पर ओके कर रखा है। अब जब भी मैं F8 मैनुअली मतलब मुझे खुद कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो F9 में प्रेस करूँगा यहाँ से, तो देखिए चेंज हो गया। तो जब भी आप रिकैलकुलेट करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर 200 कर दिया, तो मुझे अगेन F9 प्रेस करना पड़ेगा, तो बिकॉज़ क्योंकि हमने वहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करा हुआ है, नॉर्मली बेसिकली यूज़ नहीं होता है, हम ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका F10 एक्टिवेट मेन्यू। अब अगर आपको मेन्यू एक्टिवेट करना है तो आप F10 प्रेस करेंगे, तो देखिए मेन्यू एक्टिवेट हो गया। उसके बाद आता है F11 फॉर न्यू चार्ट। सपोज आपको इस एरिया का चार्ट प्रिपेयर करना है, तो हमने एरिया सेलेक्ट किया एंड देन F11, देखिए चार्ट ऑटोमेटिकली हमारा चार्ट तैयार हो जाएगा, ये चार्ट की शॉर्टकट की होती है। उसके बाद आता है लास्ट इज F12 फॉर सेव एज। अगर आपको अपनी फाइल दूसरे नेम से सेव करनी है तो आप F2 करिए, यहाँ पर आपको सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई है कोई शॉर्टकट की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।